हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस बर्फी से मिठाई बनाएंगे। घर में मिठाई पड़ी थी, 4-5 दिन हो गए हैं, कोई नहीं खा रहा है इसे, तो हम इसे मिठाई बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए देसी घी ले लेते हैं पैन में। दो चम्मच तक सूजी ले लेंगे। ये छोटा कप है, 125 ml का, एक कप तक। इतना ही बेसन ले लेंगे उसी कप से। इन सबको भून देंगे। लो आज में गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा भुन गया है। 5 मिनट लगा है इसको भुनने में, 5 से 7 मिनट कम आंच पर। तो हम इसमें नारियल डाल देंगे। एक कप के बराबर ऐसे भी रोस्ट कर लेंगे। जो हमारी बर्फी थी, हमने बर्फी को तोड़ लिया है, उसे भी डाल देंगे। और इसे भी भून लेंगे थोड़ी देर।
ठंड सही गए, हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। बर्फी वैसे ही मीठी थी इसलिए हम चीनी थोड़ा ही डालेंगे। आप कम मीठा ज़्यादा मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चीनी डाल कर भी हम मिला लेंगे अच्छे से। मिठाई खुशबू पूरे घर में आ रही है। इस तरह से मिठाई बनाएंगे तो लोग मांग मांग कर खाएंगे। अब खत्म होने के बाद ही पूछेंगे खत्म हो गया क्या। देखिए हमारी मिठाई डो फॉर्म में हो गई बिल्कुल। चीनी भी मेल्ट हो गई है अच्छे से। कोई कहेगा कि वही बर्फी है, इसका स्वाद और लुक सब चेंज हो जाता है इस तरह बनाने से। हमारी मिठाई का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है निकल कर लुक, ये देखिए। हम गैस को बंद कर देंगे, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। 7 से 8 दाने मैंने इलायची लेके कूट लिए हैं, ये डाल देंगे इसे भी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा सा ताकि हाथ में इसे बनाया जा सके। इसे तो फ्रेंड्स हमारा मिठाई का मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो हम इस कटर की मदद से ही मिठाई बनाएंगे, इसका शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और इसको इस तरह से दबा दबा के शेप दे देंगे मिठाई का शेप। ये देखिए कितनी बढ़िया कितनी सुंदर हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है और हम इसी तरह सारी मिठाइयों को बना लेंगे अपने।
देखिए इस तरह से इसको दबा लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार है। ये देखिए इसी तरह हम अपनी सारी मिठाई बना लेंगे। तो दोस्तों हमारी सारी मिठाइयाँ बन गई हैं, अब हम इस डब्बे में भी रख लेंगे मिठाई को इस तरह से सजा के। और आप भी इस तरह से मिठाई बनाएं घर में। अगर आपके पास खोए की मिठाई पड़ी हो तो आप खोए की मिठाई से बना लें, नहीं तो आप खोए भी ला सकते हैं। मैंने घर की बेसिक सामानों से ही बनाए हैं इस मिठाई को, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं इस मिठाई को। बहुत ही टेस्टी है खाने में मिठाई, जो भी खाएगा और भी मांगेगा इस मिठाई को खा के। चलिए हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको सजा देते हैं। ये हमारी सारी मिठाइयाँ बनके तैयार आ गई। ये देखिए डब्बे में हमारी मिठाई कितनी बढ़िया लग रही है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो में हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।